हेलो। हाँ कंटिन्यू। हाँ सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स 1.4.2। इसके पहले वाले पीरियड में आप सर आप लोगों को पढ़ाते हैं, आज हम पढ़ेंगे 4.0। हमारा आर्थिक नियोजन। चलिए देखते हैं हम लोग उसमें क्या हमको करना है। पहले तो हम पहले जान लेंगे कि जीएसटी होता क्या है। थोड़े से समय में आप उसका आप लोगों को मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। तब वहां पर जीएसटी मतलब यहाँ पर गुड सर्विस टैक्स। हमारे देश में जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। तो हमारे देश में जब ये लागू वीडियो तो हुआ, बंद है आपका मैडम, हाँ वीडियो बन, मैडम आपका वीडियो बंद है मैडम। एक मिनट सर। हमारे देश में कब से लागू हुआ जीएसटी? 1 जुलाई 2017 से। तो जीएसटी को दो भागों में बांट, पहले क्या होता था, अलग अलग प्रकार के हमको टैक्स भरने पड़ते थे। अब क्या हो गया है, 1 जुलाई 2017 से सिर्फ एक ही प्रकार का हमें जीएसटी भरना पड़ेगा, वो है एक प्रकार का हमें टैक्स भरना पड़ेगा, जो है जीएसटी गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसीलिए जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ तो ये नारा रह गया कि एक देश एक कर एक बाजार। मतलब एक ही कर भरना है एक ही देश में और एक ही बाजार में। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हमको टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि जीएसटी को दो भागों में बांटा गया, एक CGST यानी केंद्र सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स यानी केंद्र जीएसटी कम, और दूसरा है SGST यानी राज्य जीएसटी, राज्य गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो हम लोग को जब जीएसटी दो भागों में बांटा गया तो जो जीएसटी का मान आता है, जो जीएसटी सरकार को मिलता है, उसमें से आधा सेंट्रल को जाता है, केंद्र को जाता है, और आधा राज्य को जाता है। तो जीएसटी अलग अलग चीजों पे, स्टोर सामान पे, खाद्य पदार्थों पर लागू किया गया। इसके लिए हम 4.2 के साथ सभी प्रश्नों को हल कर कर समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम वीडियो। जब जीएसटी हम एक एक प्रश्नों को आप हल करके समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार जीएसटी को निकाल सकते हैं और हल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं 4.1। आप पढ़ इसके पिछले कक्षा में सर ने आपको 4.1 आशा है मुझे आप लोगों को जीएसटी के बारे में काफी जानकारी होगी। चलिए हम एक एक सवाल 4.2 का करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 की अवधि में की गई खरीदारी पर 1,05,000 रुपये जीएसटी का भुगतान किया और 1,22,500 रुपये जीएसटी संकलित किया, तो संबंधित अवधि में चेतना स्टोर्स में वो कितना जीएसटी दे होगा? दे मतलब कितना जीएसटी भरेगा? चलिए अब इसको क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। चलिए हम उस अब जो स्टोर जो हमारे मार्केट में दुकानें होती हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे कपड़े की दुकानें हो, तो वो लोग जहाँ से सामान वो सब लाते हैं तो वो भी जीएसटी भर के लाते हैं। खरीदते हैं सामान जो जितना उनका खरीदारी खरीदते हैं उसके ऊपर हर एक चीज के पीछे वो जीएसटी भरते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, जो वो जीएसटी खरीद कर लाते हैं और जीएसटी भरते हैं उससे हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। फिर वही दुकानदार जो मार्केट में वही चीज को हम सब में बांट बेचता है, मेडिकल वाला हो चाहे कपड़े वाला हो चाहे जो दुकानदार हो, तो वो जब हम लोग को वो सामान बेचता है तो वो भी हम पर जीएसटी लगाता है और उससे हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। दोनों में आपको उसका फर्क पता चला। इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, जब दुकानदार जहाँ से वो सामान मंगवाता है
तो वो जो टैक्स भरता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। और वही दुकानदार जो भी हो, मेडिकल वाला या जो भी हो, हमें जब वो सामान देता है तो जो वो जीएसटी हमसे लेता है, संकलित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। जितना स्टोर द्वारा की गई खरीदारी का जीएसटी कर, कितना सामान खरीदा वो कितना जीएसटी भरा, 1,500 रुपये। कितना भरा, 1,500 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट टैक्स कितना हुआ, इनपुट टैक्स 1,500 रुपये। अर्थात इनपुट टैक्स को ही हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 1,500। जो इनपुट टैक्स है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,500। जितना स्टोर ने जो खरीदारी की, उन्होंने जो टैक्स का भुगतान किया, जीएसटी का भुगतान किया, वो कितना हुआ, इनपुट टैक्स ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना भुगतान किया, 1,500। ठीक है, आगे देखिए। जितना स्टोर द्वारा संकलित की गई जीएसटी कर, तो जितना स्टोर ने जितना संकलित किया, उनको सामान बेचा, तो उसके बदले में जो उसने जीएसटी कलेक्ट किया, संकलित किया, वो कितना है, 1,22,500। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया, आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 1,22,500 रुपये। ठीक है, जितना स्टोर द्वारा जीएसटी दे, जीएसटी दे का सूत्र क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है, 1,22,500। ठीक है, माइनस इनपुट टैक्स कितना है हमारा, 1,500। 1,22,500 में से 1,500 माइनस करेंगे कितना आएगा, 22,000। तो चेतना स्टोर वाला जीएसटी कितना, और चेतना स्टोर वाले जीएसटी दे कितना करेंगे, 22,000। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए कि चेतना स्टोर है, उसने सामान खरीदा है 1,500 रुपये का। ठीक है, 1,500 रुपया, इनपुट टैक्स कितना हो गया, 1,500, अर्थात इनपुट क्रेडिट ITC। अभी मैंने पहले भी बताया कि इनपुट टैक्स को ही ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। तो कितना है यहाँ पर, 1,500 रुपये। फिर जितना स्टोर ने जब संकलित किया, सामान बेचा अपना, उसके ऊपर जो उसने जीएसटी कलेक्ट किया, वो कितना है, 1,22,000। तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 1,22,500। तो जितना स्टोर द्वारा जीएसटी देकर कितना हुआ, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, 1,22,500 माइनस 1,500। हमने जीएसटी दे कितना हुआ, 22,000। जितना स्टोर द्वारा, जितना स्टोर को कितना दे, कितना जीएसटी दे होगा, 22,000। ठीक है, देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर कि जीएसटी नियम के अंतर्गत पंजीकृत दुकान की मालकिन नजमा है। ठीक है, उन्होंने अभी हम लोग जो भी दुकान खोलते हैं तो उसको हम लोग को पंजीकरण कराना पड़ता है। वही नजमा ने किया, वो दुकान की मालकिन कौन है, नजमा। उन्होंने खरीदारी पर कुल जीएसटी 12,500 रुपये का भुगतान किया तथा बिक्री पर कुल जीएसटी 14,750 रुपये संकलित किया, तो उन्हें कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और उनका देय जीएसटी ज्ञात कीजिए। तो नजमा ने दुकान खोला, दुकान खोलने के लिए 12,500 रुपये का भुगतान किया जीएसटी का, और फिर संकलित कितना किया, 14,750। याद करते हैं, नजमा द्वारा की गई खरीदारी पर कुल जीएसटी कर बराबर 12,500। तो जब वो खरीदारी की तो कितने टैक्स का भुगतान किया, जीएसटी का कितना हुआ, 12,500। अर्थात इनपुट टैक्स कितना हुआ, 12,500। पिछले ही प्रश्न में आपको मैंने बताया कि जो इनपुट टैक्स होता है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, 12,500। ठीक है, तो अब यहाँ पर नजमा द्वारा संकलित किया गया जीएसटी कर, जब उसने दुकान के सामान को बाहर बेचा, उसने कितना टैक्स संकलित किया,
14,750 तो आउटपुट टैक्स कितना हुआ 14,750। ठीक है, आगे देखिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सूत्र देखा, नजमा द्वारा जीएसटी दे, कितना जीएसटी दे होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हमारा कितना है 14,750 और इनपुट टैक्स कितना है 12,500। 14,750 में से 12,500 माइनस ये जीएसटी दे। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जब कोई दुकानदार कहीं से सामान उठाता है, नहीं लाता है, पैसा भरता है, जीएसटी कर देता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं इनपुट टैक्स। फिर वो दुकान में सामान लाता है, फिर वहाँ पर दुकान में हम सब सामान खरीदने जाते हैं, तो हम भी वो हमसे अपना फायदा लेकर फिर से उस जीएसटी से लेता है, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं आउटपुट। और हम लोग वो दुकानदार कितना जीएसटी दे होगा उसका, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो उससे जितना उसको फायदा होगा वो उतना, उसको कितना रुपया टैक्स फायदा होगा वो उससे। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, अमीर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सॉस की बोतल, अमीर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सॉस की बोतल खरीदते समय 3,800 रुपए जीएसटी का भुगतान किया, तथा अकबर ब्रदर्स को बेचते समय 4,100 रुपए का जीएसटी संकलित किया, तथा मयंक फूड कॉर्नर ने अपने अकबर ब्रदर्स से वे बोतलें 4,500 रुपए में जीएसटी देकर खरीदी, तो इस उस व्यवहार में देन जीएसटी ज्ञात कीजिए। उस आधार पर प्रत्येक को केंद्र का देय कर जीएसटी CGST तथा राज्य का देकर SGST ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर तीन लोग हैं। पहला कौन है, अमीर इंटरप्राइजेज चॉकलेट सॉस। अगर अमीर इंटरप्राइजेज ने चॉकलेट सॉस की बोतल कितने में खरीदी है, 3,800 रुपए। अमीर ने इंटरप्राइजेज ने किसको ये चॉकलेट बॉक्स दिया, चॉकलेट सॉस का बोतल, अकबरी ब्रदर्स को, कितना रुपया में दिया, 4,100 रुपए। फिर अकबर ब्रदर्स ने वो किसको दिया बॉटल, मयंक फूड कॉर्नर, तो कितने रुपए में मिला उसको, कितना दिया, 4,500। पहले वाले ने कितने में खरीदा, 3,800 रुपए। दूसरे वाले में कितने खरीदा, 4,100 रुपए। तीसरे वाले ने कितने में खरीदा, 4,500। हम लोग को प्रत्येक का जीएसटी देय ज्ञात करना है और प्रत्येक के लिए CGST और SGST ज्ञात। चलिए देखते हैं, पहले हम अमीर इंटरप्राइजेस का निकालेंगे। अमीर इंटरप्राइजेस द्वारा दी गई की गई खरीदारी पर जीएसटी कर कितना है, 3,800 रुपए। तो अमीर इंटरप्राइजेस के लिए इनपुट टैक्स कितना हो गया, 3,800 रुपए। ठीक है, अब पहले हम प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि जो इनपुट टैक्स होता है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होता है। यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया, 3,800। अमीर इंटरप्राइजेस द्वारा बेचने पर जीएसटी, सॉस की बोतल बेचने पर जीएसटी कर कितना, कितने में बेचा उसने अकबरी ब्रदर्स को, 4,100। तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 4,100। अमीर इंटरप्राइजेस को अमीर ने कितने में खरीदा था, 3,800 में, और बेचा कितने में, 4,100। इनपुट टैक्स कितना हुआ, 3,800, और आउटपुट टैक्स कितना हुआ, 4,100। तो अमीर इंटरप्राइजेस द्वारा जीएसटी दे है कितना होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है हमारा, 4,100 रुपया। इनपुट टैक्स कितना है हमारा, 3,800 रुपया। कितना हुआ यहाँ पर, 4,100 में से 3,800 माइनस किए तो कितना हुआ, 300। बराबर है, तो अमीर इंटरप्राइजेस को जीएसटी दे कितना आया, 300।
अब आगे ये क्वेश्चन पूछा है कि ये तो जीएसटी का, तो अमीर एंटरप्राइजेस राज्य को कितना देगा और केंद्र को कितना देगा? तो अमीर एंटरप्राइजेस केंद्र CCGST, केंद्र जीएसटी, तो केंद्र CCGST का फुल फॉर्म क्या है? CGST, जो केंद्र को देगा वो CGST, जो राज्य को देगा वो SGST, केंद्र गुड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, और यहाँ पर ए गुड सर्विस टैक्स। तो ना हमको मालूम है 4.1 में हम जान चुके हैं कि CGST का हम लोग आधा करते हैं, तो आधा राज्य को जाता है, आधा स्टेट को जा रहे राज्य को जाता है और आधा स्टेट को जाता है। 300 रुपए का आधा किया यहाँ पर CGST बटे, तो उत्तर लिखेंगे GST बटे 2। GST कितना है हमारा? 300 बटे 2। कितना केंद्र को कितना मिला? 150 रुपए। जो केंद्र को मिलेगा वही राज्य को भी मिलेगा। तो स्टेट गुड सर्विस टैक्स कितना आया यहाँ पर? 150, और सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स कितना आया? 150, दोनों 150 150। यानी कि अमीर इंटरप्राइजेस ने GST दे कितना किया? 300 रुपये। राज्य को कितना दिया? 150 रुपये। और स्टेट को कितना दिया? 150 रुपये। केंद्र को और राज्य को दोनों को कितना दिया यहाँ पर? 150। चलिए अमीर एंटरप्राइजेस का तो हो गया, चलिए अकबरी ब्रदर्स का निकालते हैं हम लोग। अकबरी ब्रदर्स ने वो सब बॉटल किधर बेची? अकबरी ब्रदर्स द्वारा की गई खरीदारी, अकबरी ब्रदर्स ने कितने में खरीदा वो बॉटल? किससे खरीदा अकबरी ब्रदर्स ने? उससे, अमीर इंटरप्राइजेस से खरीदा। कितने में खरीदा? 4,100 रुपए। तो अमीर के ये अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स कितना हुआ? 4,100 रुपए। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ? 4,100 रुपए। अकबरी ब्रदर्स ने संकलित किया कितना GST? 4,500। संकलित मतलब अकबरी ब्रदर्स ने किसको बेचा? मयंक फूड कॉर्नर सॉस की बॉटल। अकबरी ब्रदर्स ने जो बॉटल सॉस की खरीदी थी वो मयंक कॉर्नर को कितने में बेचा? 4,500 रुपये। 4,500 रुपये में बेचा, तो ये आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 4,500। अकबरी ब्रदर्स का GST दे कितना आया? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, हमारा आउटपुट टैक्स कितना है? 4,500 माइनस 4,100। तो अकबरी ब्रदर्स ने कितना GST दे दिया? 400। कितना होगा उनका GST दे? 400। फिर से हम इनका भी केंद्र का निकालेंगे और राज्य का निकालेंगे GST। तो अकबरी ब्रदर्स द्वारा GST दे कितना आया? 400 रुपये। तो अकबरी द्वारा, अकबरी ब्रदर्स 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 द्वारा SGST दे कर GST बटे। GST कितना है हमारा? 400 400 बटे। तो अकबरी ब्रदर्स ने स्टेट को कितना दिया? 200 रुपया, और केंद्र को कितना दिया? 200। मालूम है GST दो भागों में बटती है, SGST और CGST, राज्य सरकार गुड सर्विस टैक्स और केंद्र गुड सर्विस टैक्स। इस तरह हमने 3 क्वेश्चन हल किया। लास्ट वाले क्वेश्चन आपको फिर से कंफ्यूजन होगा तो फिर से देखिए एक बार, अमीर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट की बॉक्स किसको, बॉटल किसको दी? अकबरी ब्रदर्स। अकबरी ने किसको दी? मयंक। हमने कितने में, अमीर ने कितने में खरीदा था? 3,800। अकबरी ब्रदर्स ने कितने में खरीदा? 4,100। और 4,100 में मयंक को कितना बेचा? 4,500। ठीक है, हमने पहले अमीर इंटरप्राइजेस का द्वारा की गई खरीदारी का निकाला 3,000। अमीर इंटरप्राइजेस ने कितने में खरीदा? 3,800। टैक्स क्रेडिट हो गया हमारा 3,800। फिर अमीर ने किसको बेचा? अकबरी ब्रदर्स को। कितने में बेचा? 4,100। तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 4,100। तो अमीर एंटरप्राइजेस द्वारा GST दे कितना आया? 4,100 माइनस 3,800 कितना आया यहाँ पर? 300। तो अमीर एंटरप्राइजेस ने का CGST कितना है? 300 बटे 150। और SGST कितना है? 150। फिर हमने क्या किया? अकबरी ब्रदर्स द्वारा की गई खरीदारी कितने में खरीदा बॉटल? 4,100 रुपये। उनके लिए इनपुट टैक्स कितना आया? 4,100।
इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया 4001। गरीब ब्रदर्स द्वारा संकलित की गई जीएसटी कर कितना हो गया, अमीर ब्रदर्स ने किसको बेचा मैन कोड पर, कितने में बेचा 4500। आउटपुट टैक्स कितना हो गया 4500। गरीब ब्रदर्स का जीएसटी दे कितना आया, आउटपुट टैक्स माइनस 4500। जीएसटी दे कितना आया 400। अभी अकबरी ब्रदर्स करते हैं जीएसटी कितना है 400/2, 200 और 200। तो अकबरी अमीर ने केंद्र को कितना देगा 150-150 और अकबरी ब्रदर्स कितना देंगे 200। आगे के क्वेश्चन चौथा पांचवा छठवा आगे की वीडियो में। जो रहता है वही कितना हुआ 1200। गैस की टाकियां यहाँ पर लिखा है हमारा आउटपुट टैक्स क्या होगा 26500 × 5/2। हाँ 265/5 1325। तो हमारा आउटपुट टैक्स कितना आया 1325। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि गैस सिलेंडर कितने में खरीदा गया 24500 रुपए, कितना प्रतिशत की दर से 5%। तो हमने इनपुट टैक्स निकाला 2000 किया तो हमें कितना मिला 1225 रुपए। तो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया 1225 रुपए। गैस एजेंसी के मालिक ने और कितने वो सिलेंडर सबको बेचा है 26500, कितने प्रतिशत की दर से 5%। तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया 1325 रुपए। तो हमारा जीएसटी दे होगा उसका आउटपुट टैक्स माइनस आईपीसी। हम इनको इस सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स वो भी चलेगा, और आउटपुट टैक्स माइनस आईपीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमारा इनपुट आउटपुट टैक्स कितना आया है 1325 और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आया हमारा 1225। तो
कितना होगा सौ। ठीक है, चलिए अब हमें इस क्वेश्चन में सीजीएसटी और एससीएसटी भी ज्ञात है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जीएसटी कितना होता है, जीएसटी का हम आधा करेंगे तो हमें सीजीएसटी और एससीएसटी होगा। तो सीजीएसटी कितना हुआ जीरो बटे दो, जीएसटी कितना हुआ सौ बटे दो, तो पचास होते हैं, और एससीएसटी कितना होगा सीजीएसटी बटे वही दो सौ बटे दो यानी पचास होते हैं। तो गैस के मालिक ने कुल कितना जीएसटी उसके लिए होगा सौ रुपए, सीजीएसटी कितना हो गया पचास रुपए और एसजीएसटी कितना हो गया पचास। समझ में आया सभी को? फिर से एक बार, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश का है और उसके मालिक ने, गैस एजेंसी के मालिक ने 24,500 में सिलेंडर खरीदा 5% की दर से, और खरीदा 5,500 में बेचा की दर से किया, टैक्स निकालना कितना आया 1,225, गैस एजेंसी ने सिलेंडर को कितना और 5% की 26,500 ये हमारा आउटपुट टैक्स हो गया। आउटपुट टैक्स 26,500 गुणे 5/100, 26,500 गुणे 5/100 कितना आया 1,325। आउटपुट टैक्स 1,325, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,225। तो ये उसके मालिक के लिए, गैस एजेंसी के मालिक के लिए जीएसटी दे कितना हुआ, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। मैं पहले भी बता रही हूँ कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आउटपुट टैक्स आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लिख सकते हैं। 1,325 माइनस 1,225 कितना आया सौ, तो उसके लिए जीएसटी कितना आ गया गैस सिलेंडर के मालिक के लिए सौ रुपए। तो हमें कुछ चाहिए कि सीजीएसटी और एससीएसटी, हमारा सीजीएसटी बराबर जीएसटी बटे दो सौ बटे दो, जीएसटी कितना आया सौ रुपए और सीजीएसटी और एससीएसटी कितना चलिए सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव करना है। चलिए हम देखते हैं, मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपए पर 18% की दर से जीएसटी देकर सौंदर्य प्रसाधन खरीदे गए और एक ही ग्राहक को वो सभी 10,000 रुपए में बेची, तो इस व्यवहार में ब्यूटी प्रोडक्ट्स द्वारा बनाए गए कर बीचक में केंद्र तथा राज्य यानी जीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, देय वस्तु एवं सेवा कर की रकम कितनी होगी, मतलब जीएसटी निकालना है, एसजीएसटी भी निकालना है और सीजीएसटी भी निकालना है। चलिए सेम क्वेश्चन नंबर फोर की तरह है, हम यहाँ पर लिखेंगे मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने कितने में खरीदा 6,000 रुपए में खरीदा, कितना प्रतिशत की दर से 18% की दर का भुगतान किया, तो हमारा इनपुट टैक्स कितना हो गया 6,000 का 18%, 6,000 गुणे 18% तो 18/100, ये दोनों जीरो कट गया, कितना बचा 60 गुणे 18, इनपुट टैक्स कितना 60 में गुणा करेंगे तो 1,080 रुपया। तो मैं ब्यूटी पार्लर ने 6,000 18% की दर से सौंदर्य का सामान तो हमारा इनपुट टैक्स ही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ 1,080 रुपया। मैं ब्यूटी पार्लर ने वो सामान एक ही ग्राहक को कितने में बेचा 10,000 रुपए और कितने प्रतिशत की दर से 18% की दर से, 10,000 का आउटपुट टैक्स हो गया, बेचने वाले को हम क्या कहेंगे आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स बराबर 10,000 गुणे 18/100, 2,020 पड़ गया, यहाँ पर 100 गुणे 18 आया, आउटपुट टैक्स 100 गुणे 18 1,800, तो इनपुट टैक्स कितना है 1,080, आउटपुट टैक्स कितना है 1,800। तो जीएसटी दे, जीएसटी दे कितना होगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी यानी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट टैक्स, तो 1,800 में से 1,080 गया कितना है 720 रुपए, तो जीएसटी कितना हो गया 720 रुपए। अब सीजीएसटी यानी कि ब्यूटी पार्लर ने केंद्र से केंद्र के लिए सीजीएसटी कितना होगा उसका बटे दो 720 को बटे दो करेंगे कितना आया 360 बराबर है, वही एससीएसटी सामान खरीदा 8% की दर 18% की दर से, तो यहाँ पर 18/100 हो गया, कितना आया यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट
1080, फिर उस ब्यूटी पार्लर के सामान को कितने में बेचा, 10,000, कितने प्रतिशत की दर से, 18% की दर से, 10,000 का 18% कितना आया, 1800 रुपया। इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया 1080 रुपया, आउटपुट टैक्स हो गया 1800 रुपया। तो मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जीएसटी दे कितना होगा, इनपुट टैक्स प्लस में 1080 माइनस कितना हुआ, 720 रुपया। तो जीएसटी हमारा कितना है, 720 रुपये। तो हमारा जीएसटी हम आधा आधा करेंगे तो हमें सीजीएसटी और जीएसटी 360 रुपये, मतलब कि मैं ब्यूटी प्रोडक्ट जीएसटी कितना होगा 720 और सीजीएसटी कितना होगा 360 और एसजीएसटी कितना होगा 360। आगे के हम सवाल नेक्स्ट देखेंगे। चलिए कुछ आप लोगों को शंका हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, हम 4.2 के 5 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं जिसमें हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इनपुट टैक्स निकालना है और आउटपुट टैक्स निकालना है। दोनों आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करना है और वो हमारा जीएसटी होगा, और जीएसटी को हमें आधा आधा करना है, जीएसटी बटे 2 करेंगे तो हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों मिल जाएगा। चलिए, किसी को कुछ डाउट है तो हमें से पूछ सकता है। हाँ, पहला सवाल हमारा चेतना स्टोर जिसने सामान खरीदा और बेचा, दूसरा हमारा सवाल था नगमा वाला जिन्होंने दुकान से सामान का अपना भुगतान किया और दूसरों को संकलित किया, तीसरा हमारा अमीर इंटरप्राइजेस वाला था, और चौथा हमारा क्या था, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, और पांचवा हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाला। पांचों सवाल में से किसी को कुछ डाउट है, हम इनपुट टैक्स निकालते हैं, कैसे हम आउट टैक्स निकालते हैं, और किस तरह हम जीएसटी निकालते हैं, तो हमें सब, और किस तरह हम जीएसटी के माध्यम से एसजीएसटी निकालते हैं और सीजीएसटी निकालते हैं, इस तरह जीएसटी हमारा सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी हमारा स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ठीक है, और सीजीएसटी कितना है अपना गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट नहीं है कुछ, चलिए पूछिए क्या डाउट है जिसे पूछना है। मैडम स्क्रीन शेयर बंद कीजिए आपका, मैं बच्चों को डाउट लेता हूँ। बंद हो गया हीना, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखा बेटा। भूमि सुरेश, पूजा, भूमि प्रजापति, भूमि प्रजापति, माइक चालू करो। मुझे पांचवा नहीं समझा। पांचवा, पांचवा सवाल, हाँ, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सामान कितने में खरीदा उन्होंने, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों ने 6,000 रुपए में खरीदा, ठीक है। अब 6,000 को कितना 18% की दर से खरीदा है, तो 18% हम क्या करें, और बेचा कितने में, 10,000 रुपए में। तो पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे 1,080 रुपया, तो इनपुट टैक्स कितना हो गया, 1,080 रुपया। फिर उसने ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ही आदमी को बेचा 10,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, 10,000 का 18% निकालेंगे, तो 10,000 × 18/100, तो आउटपुट टैक्स कितना आ गया, 800। आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 1,800, और इनपुट टैक्स कितना हो गया, 1,080 रुपया। तो हमारा जीएसटी कितना हो गया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 1800 में से हम 1,080 करेंगे तो 720 रुपये मिलेंगे, हमें जीएसटी कितना मिला, 720 रुपया। और जब जीएसटी मिल गया तो जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी 720 का आधा आधा करेंगे, जीएसटी बटे 2, 720 बटे 2 तो 360 रुपया, 360, ठीक है। आकांक्षा गुप्ता, यस सर, गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। तीसरा वाला नहीं समझा।
बेटा आप लोग सवाल पूरा नहीं करने बोलोगे तो अभी ये डाउट है ना, डाउट पूछो आप लोग। हाँ बस क्या नहीं समझ में आया वो बोलो मुझे। वो जो ये इनकम टैक्स का वो घटाना किया था वहाँ से नहीं समझा है। हाँ तो देखिए आमिर इंटरप्राइजेस ने किसको बेचा बसास की बोतल, अकबरी ब्रदर्स को। अकबरी ने किसको बेचा मायान फूड कॉर्नर को। तो आमिर ने कितने में बेचा खरीदा था 3,800 रुपए में, बेचा कितने में 4,100 में। तो आमिर के लिए इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकालेंगे पहले। तो आमिर के लिए इनपुट टैक्स कितना आया 3,800 और आउटपुट टैक्स कितना आया 4,100 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या निकाल रहे हैं, आउटपुट टैक्स मालूम पड़ेगा। इनपुट टैक्स हमने आमिर के लिए जीएसटी निकालेंगे 4,100 में से माइनस करेंगे, आउटपुट टैक्स में से आई टी सी इनपुट टैक्स आएगा। अकबर आमिर के निकल गया, आमिर के लिए निकल गया। अब अकबरी के निकालेंगे, अकबरी ब्रदर्स को कितने मतलब कितने में अकबरी ब्रदर्स ने खरीदा 4,500 में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया 4,100, आउटपुट टैक्स कितना हो गया 4,500। तो अकबरी ब्रदर्स के लिए हम लोग की जीएसटी निकालेंगे आउटपुट माइनस इनपुट आई टी सी। तो 4,500 में से 4,100 माइनस करेंगे कितना आया 400 रुपया। फिर उनके लिए जीएसटी अरे एस जी एस टी और सी जी एस टी 400/2 कितना आएगा 200 रुपए। ठीक है। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। अपने से एक बार ना लिख के हल करोगे तो अच्छे से आएगा। जब मैं पहले पढ़ा रही तो आप लोग टेस्ट बुक लेके बैठोगे तो और अच्छे रहेंगे। टेस्ट बुक पे साथ में वीडियो भी करते रहेंगे। गुड मॉर्निंग टीचर। चलिए आगे। हेलो टीचर। टीचर पढ़ाया मेरे को, एक बार फिर दिखा सकते हो स्क्रीनशॉट लेने के? आप ना उदाहरण भी देखो। एक मिनट मैडम, वंदना मैडम। वंदना मैडम जो आपने स्क्रीन पे वीडियो दिखाया ना वो मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं इनको भेज देता हूँ। ठीक है बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट वहाँ से ले लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। पूजा पांडा, पूजा पांडा टीचर आपका वीडियो आवाज ना क्लियर नहीं आ रहा था तो चौथा समझ में नहीं आया, एक बार वापस समझाओ ना।